गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि मैंने पहले बता चुका है चुके हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल, ताकि प्रत्येक वीडियो जो है वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज टॉपिक सेम है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। कल मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी, आज पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी बिंदु को लेकर के। मैंने बताया था आपको कि अगर दृष्टि जो होती है, हमारी दृष्टि की बात करें, अगर मैं, मेरी दृष्टि है, इज माय आईज, आईज से एक जो रेखा होती है, एक अनुमानित रेखा, जैसे मैं बात करूंगा अनुमानित मेरी जो रेखा है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा कहता हूँ। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बनने वाले प्रत्येक कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहलाते हैं। और क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। दो कोण है, नोटिस कर लीजिएगा। क्षैतिज रेखा कहीं भी है, अगर मैं जमीन स्तर पर खड़ा हूँ और मैं जमीन स्तर खड़े होने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा नोटिस करिएगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं किसी बिंदु को इस तरह से देखता हूँ, तो इसका मतलब यह है एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी और यहीं से मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, नोटिस करिएगा, देखिए दो, दोनों हाथ पर नज़र रखिएगा ये चीज़, तो इसके बीच में बना हुआ कोण को कहलाता है हमारा कौन सा, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं किसी बहुत बड़े किसी जगह पर खड़ा हूँ, जैसे मान लो मकान हो सकता है या फिर मीनार हो सकती, पहाड़ हो सकती, वहाँ से कार को या मील के पत्थर को मैं देखता हूँ नीचे की तरफ, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा, और ये मेरे देखने की जो नज़र की है, तो जिन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को कहेंगे अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने दूसरी चीज़ बताई थी, जब भी आप कोण किसी चीज़ को मान के चलेंगे, मैंने बताया था आपको, आप अपना अगर मीनार बनाते हैं तो मीनार पे एक या दो कोण आएंगे, तो हमेशा जान लीजिएगा यहाँ बड़ा कोण आएगा 60 अंश का आएगा, इस तरह से मैं तीन कोण को डेवलप किए देता हूँ, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 30 आएगा, मीन्स हम जो ही मीनार की तरफ बढ़ते हैं कोण हमारा बढ़ता जाता है, और मीनार से दूसरी तरफ जाते हैं कोण हमारा घटता चला जाता है। तो बढ़ना घटना आप समझ गए इस बिंदु को, जितने कोण दिए जाएंगे उतने ही त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग किया जाएगा। अगर किसी सवाल में दो त्रिकोणमिति अनुपात, दो कोण दे रखे हैं, तो दो त्रिकोणमिति अनुपात का रिलेशनशिप जो हमने बता रखी थी, साइन कॉस टेन मुक्ता कहलाते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी प्रयोग किया जाएगा, और दोनों को मिला करके फिर हमारा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दूसरा बिंदु स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप इस बिंदु का ध्यान रखें आप लोग, कि जब भी आपके कोई भी एक्सप्रेशन बने 6h + x = √3 ऐसा आ गया, दूसरा हमारा पहला फर्स्ट आ गया, इसको हम कहेंगे 6 √2h + x = 10√3। इस तरह दो हमारे एग्जांपल आ गए। आपको h की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, h की। ऐसे स्थिति में आप इसको h को दूसरे पक्ष में ले जाके x बराबर बनाएंगे, और s की वैल्यू x को रिप्लेस करते हुए माने आप कैसे बनाएंगे, x = √3, ये पद यहाँ से यहाँ जाएगा -6। अगर दोनों मान बराबर हैं, तो अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा मान बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हमने बताया था कि कल कोशिश किया करो कि छोटे वाले मान को बड़े वाले मान में रखा करो, ये नियम रहता है, नियम नहीं रहता, इसको हम लोगों ने गाइडलाइंस तैयार कर रखी है। कारण क्या रहता है, प्लेट के हमने एग्जांपल भी दिया था, किसी प्लेट में, प्लेट में एक कटोरी रखना सही तरीका है, ना कि कटोरी पर प्लेट रखना, तो वही मैंने बता रखा था। तो आपने क्या किया, x = √3 - 6x। अब इस वैल्यू को x की जगह, ये मान आपको दिखाइए, इस वैल्यू को उठा के हम रखेंगे, कैसे रखेंगे, √2h + 3 - 6x = 10√3। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे सब मान h में आ गए। अगर मान h का निकालना है और किसी भी इक्वेशन में, समीकरण में
पद में अगर आपके दो चर x और आपका h दिया है तो मान x के बराबर ज्ञात करेंगे ताकि x को रिप्लेस करके h रख सकें। इस बिंदु को हमने दो तीन चीज़ें बताई थी, जो कल दो तीन बिंदु थे जिन्हें हमने स्पष्ट किया था बहुत अच्छी तरह से, उसी बिंदु को लेकर के आगे आपको कार्य करना है। चलिए इसको यहीं पर रुकते हैं और नया हम क्वेश्चन राइज करते हैं, क्वेश्चन कैसे किया जाता है और फिर उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। ओके, नोटिस करिए क्वेश्चन। एक मीनार की चोटी का उन्नयन को उस मीनार के आधार से, आधार को पाद शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे, से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आप दिया वगैरह का यूज़ करना चाहें, दिया का, तो भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, आप एक लाइन यहाँ छोड़ा करें, यहाँ सॉल्यूशन आ गया आपका, नोटिस करें या हिंदी में हम लोग हल भी कर ले सकते हैं इसको। थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे दूरी बराबर 40 मीटर, दूसरा लिखेंगे उन्नयन कोण बराबर कितना 45 अंश, एक लाइन फिर यहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे हमें, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर कृष्ण मार्कर, फिर यहाँ पे आकर के हल करेंगे। अब जब आप एक पेन का यूज करके आपने लिख लिया, अब आपको प्रॉब्लम आती है कि बार बार सर पेन उठाएंगे, फिर स्केच लिखेंगे, फिर पेन उठाएंगे, फिर काले पेन का यूज़ करेंगे, तो फिर एक साथ हम यूज़ करते हैं। सबको दर्ज है मेरा काला पेन, तो मैं इसको आगे आ जाएंगे और लिख देंगे क्या दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या दिया है, जो मैंने एक लाइन छोड़ रखी थी वहाँ पर लिख देंगे, यहाँ एक लाइन में लिखेंगे डी वाला आ जाएगा हमारा, ज्ञात करना है। देखो मैंने मैनेज कर लिया, सी आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हल। हल में सबसे पहले दिए गए आंकड़े, जो भी प्रश्न में आंकड़े दिए जाते हैं, जो भी चीज दे रखी है, बिंदु दे रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उन सब को लेकर के हमें सवाल को सॉल्व करना। एक मीनार, मीनार की बात आ गई, चोटी, चोटी माने होता ऊपर, सीट्स या चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है नीचे से जो ऊपर की ओर बने, उस मीनार के आधार से, आधार माने मीनार से दूरी पर नीचे जमीन पर, आधार से क्षैतिज स्तर पर नीचे जमीनी स्तर पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, 40 मीटर की दूरी पर देखने पर 45, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहा हूँ, अभी सिंगल केवल एक कोण का प्रयोग करेंगे, जब एक आपको आ जाएगा तब फिर दो कोणों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले पिक्चर बनाने में, हल करने में हमारा क्या आएगा, माना कि अगर आपका लिख सकते थे यहाँ पे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, h बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी यूज कर सकते थे। सबसे पहले मैं एक लाइन को डेवलप करेंगे, लाइन को डेवलप करने के लिए बोलता हुआ चित्र बनाइए, ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल एक्चुअल है, यहाँ पे लाइन का यूज नहीं, तब कुछ चित्र इसमें ऐसे बनाएंगे जो बोलते हुए होना चाहिए, बोलते हुए माने वो ऐसे लगे कि जैसे वो चीज़ दिख रही। जब इसको आप बनाइए तो पहले चीज़ को आप ऐसा बनाइए थोड़ा कम, क्योंकि नीचे आपका जगह स्पेस बढ़ती, थोड़ा सा और बढ़ा दी, दूसरा तीसरे स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा दी, एक डिज़ाइन डेवलप करिएगा, लास्ट वाले को आप मिला दीजिएगा, गोलाई लेते हुए इनको मिला दीजिएगा, टीचर को दिखाई पड़े इसलिए उसके अंदर मीनार लिख दें, थोड़ा सा डिजाइन कर दें, लगने लगे कि मीनार, अब दिखाई पड़ने लगी मीनार के लिए, हाँ तो जी मीनार आपको दिखने लगी। अब क्या आया, मीनार, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहां उसने उन्नयन कोण यहां पे लिख दिया, चोटी का उन्नयन कोण यहां लिख दिया और यहां पे वैल्यू दे रखी उसकी, यहां पे माने कोण तो यहां लिख दिया लेकिन वैल्यू दी यहां पे। टीचर आपको बिल्कुल आसानी से सवाल नहीं देगा, कंफ्यूजन में देगा, इमारती क्वेश्चन जो दिया है तो वो कन्फ्यूजन में दिए जाते ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे केवल एक कोण का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ही एंगल का यूज किया जा रहा है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो 45 दे रखा, चोटी का उन्नयन के रिकॉर्ड कितना है 45, उस मीनार के आधार से क्षैतिज तक,
क्षैतिज माने जमीनी तल पर, क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर, क्या उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु कितना है 40 मीटर, से देखने पर 45 अंश, 45 अंश है क्या चोटी का अंश, यहां उसने पहले बात में कर दी, उसने जे भी ले सकता एक मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से चोटी के उन्नयन कोण देखने पर 45 अंश है, दोनों ही साथ रख सकता, लेकिन यहाँ पे उसने गुमराह कर दिया। लेकिन आपको समझना होगा कि आखिर है क्या, उसने उन्नयन कोण दे दिया, इसका तात्पर्य है एंगल ऑफ एलिवेशन है जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए। तो आपकी अब यहां से आ गया बिंदु से आधार शीर्ष की बात हो गई, या फिर हमारी चोटी की बात हो गई, ये कितने अंश आ गया 45। अब हम होगा हम इसका नामकरण करेंगे, आइडेंटिफाई ए बी और सी, हमारे त्रिभुज के तीनों नाम लिख लिए। यहां पर 90 अंश का कोण जरूर बनाएं, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात तभी आपकी यूज किए जाते हैं जब आपका किसी भी कोण 90 अंश का। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा, हल करने जा रहा हूँ। ये स्पष्ट हो गया, दिया है, ज्ञात करना है, और हल में आपका सबसे पहले चित्र, बिना चित्र के किसी भी स्थिति में ये सवाल नहीं किए जाएंगे। और चित्र बनाने का ज्ञान इस प्रश्न में होता है, बहुत बारीक से अध्ययन कर, कोई गलती ना हो, किसी भी स्थिति से अगर कोई भी गलती होती है तो ऐसे स्थिति में पूरा सवाल है वो हमारा जीरो हो जाएगा। और प्रोसीडिंग इसलिए इसका यूज क्यों है, जब भी टीचर आपकी कॉपी को ओपन करता है, कॉपी देखता है, तो कॉपी को जब स्टेप बाय स्टेप देखता है तो उसे लगेगा कि यू आर मोर टैलेंटेड, आपको टैलेंट में समझेगा, फिर आपको नंबर उसी हिसाब से मिलते चले जाएंगे। आपने क्वेश्चन अटेंड किया, नहीं आ रहा था, पिक्चर बन गया, अगर 4 नंबर का सवाल है तो मुझे लगता है टीचर को एक नंबर व आधा नंबर तो दे जाएगा, कुछ और अटेंड करेंगे 1.5 नंबर, वैसे तो ये नंबर 2 नंबर का हो गया, लेकिन मैं मानता हूँ कम से कम देगा तो 1.5 नंबर तक दे देगा। तो ऐसे स्थिति में आपका इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे आपको अटेंड करना। नेक्स्ट वन, अब हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज का नामांकन हो गया, बात कर रहे हैं भुजा मुझे दी है 40 और एच का हमें निकालना है। देखिए मैंने मान ली हमारी हाइट है कि एच क्या दिया है, दिया है जे, जे वैल्यू दी है इसको, और निकालना क्या है ऊंचाई, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना, उन दोनों भुजाओं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना। दिया है आपका आधार कोण पे खड़े होकर हम बात करेंगे, कोण यहाँ पे है तो नीचे वाली रेखा जो टच में दो रेखाएं जाती हैं, एक रेखा तो कर्ण होगी 90 अंश के सामने की, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, और एक भुजा होगी आपकी आधार जहाँ कोण पे बात करेंगे, और सामने भुजा लंब होगी। अगर अगर आप ए पे ए कोण यहाँ डेवलप करेंगे किसी कारण बस, तो ऐसी स्थिति में जे वाली जो भुजा है ए बी ये आधार होगी, और बी सी क्या होगी आपकी लंब होगी, माने कोण के बदलने के साथ आधार और लंब बदल जाते हैं, बेस हाइपोटेनस और एटीट्यूड ये सब बदल जाते हैं। आइए टॉपिक पर आ जाए, टेन हम लोगों ने देखा दिया हमारा आधार है, ज्ञात करना लंब है, लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, टेन, ओके यहाँ पर टेन आ जाएगा, टेन हमारा एंगल कितना है 45, सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब भुजा का नाम क्या है ए बी, आधार भुजा का क्या नाम है बी सी, ए बी कितनी है एच, बी सी कितनी है 40, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 40 इज इक्वल टू एच, सीधा ले देंगे अतः प्रश्न का वही लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर होगी, दिस बन द राइट आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन सरल हो रहा है, क्योंकि आपका एक ही कोण का यूज किया जा रहा है, दो कोण का यूज किया जा रहा है तो फिर ज़्यादा कठिन, ठीक, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। और ये नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में मान के चलिए इसकी वैल्यू, 4 नंबर में नहीं माना जाएगा, 2 नंबर का है क्वेश्चन, क्योंकि इतना ही चलेगा, ठीक है राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है
मीनार के पाद-पाद माने पैर की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। चिन्हित बिंदु से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। सबसे पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़। क्या रहा, मीनार की बात आई, क्या कोई दूसरी आकृति है? इसके अलावा कोई और आकृति नहीं है, केवल एक आकृति मीनार आई। भूमि पर स्थित कोई चिन्हित बिंदु होगा। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है? 45 है, ठीक है, 45 मीटर। मीनार के पाद की ओर, पैर की ओर आगे बढ़ने पर कितने मीटर? 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन लगता है, आप इसको एक रफ आइडिया ले सकते हैं, क्वेश्चन को लेकर के रफ आइडिया ले सकते हैं। भूमि पर स्थित बिंदु है, ठीक है, भूमि पर स्थित बिंदु हो गया। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या हो गया? चोटी का उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 हो गया। मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मीनार के पाद, पाद माने पैर की ओर 40 मीटर चलने पर, कितना चलने पर? 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 60? स्पष्ट भी आपको करने की जरूरत होती है कि आपके हमेशा बढ़ते क्रम में होंगे, ये छोटा जो बड़ा वाला कोण एक रूल होता है इसका। हमेशा जब भी आप इसके तरफ जाएंगे तो कोण बढ़ते जाएंगे, तो इस नियम को फॉलो कर रहा, ठीक है, दूरी 40 आ गई, ठीक है। हम इस चीज़ को एक रफली आइडिया भी कर सकते हैं, रफ पे आइडिया लगा सकते हो, फिर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आपको पहले भूमि कहा गया था, पहले आप भूमि ले लें, फिर आप मीनार बना। तो बात आई एक भूमि पर स्थित चिन्हित बिंदु। अब मैं सवाल सॉल्व करूँगा। मैंने बताया था कि मैं दिया वगैरह नहीं रख पाऊंगा क्योंकि वो हमारा लिखने में हमें प्रॉब्लम है, भाई जगह फिर बहुत ज़्यादा स्थिति ले देती है। भूमि पर स्थित बिंदु से एक मीनार की चोटी का अगर बात करेंगे तो थोड़ा हमें जगह देना पड़ेगा। एक मीनार डेवलप की, इसके लिए 1, 2 और 3, 4 भी कर सकते हैं आप, आपके पास है, 4 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त ऊंचाई है। इसको हमने थोड़ा डिजाइन कर दिया। बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन, यहाँ पे देखिए इस सवाल में मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक साथ दे दिया गया 45। यहाँ से आया, यहाँ से आया 45, ठीक है। मीनार के पाद, पाद माने पैर की ओर माने उस तरफ चलने पर कितना चला? भूमि पर 40 मीटर चलने पर, यहाँ पे देखिए 40 मीटर चलने, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो गया। आप कितना हो गया? 60 चलने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो चिन्हित बिंदु से मीनार के पाद की दूरी जाती है, नंबर 1 एक तो आएगा एस, यहाँ पे आएगा आपका कोई वैल्यू, आप लिख भी सकते हैं, सब डालेंगे माना की, माना की नंबर 1 क्या जाएगा? मीनार की ऊंचाई बराबर h, और नंबर 2 क्या है? बिंदु से मीनार के पाद की दूरी इज इक्वल टू h। इस मान को हम वैल्यू को एक्स मान लेंगे, हमारी जो चीज आएगी। तीसरा स्टेप होता है नामांकन, ए बी यहाँ ज्ञात रख लीजिए, सी और ये चीज है, हमने नामांकन कर लिया। हमारे इसमें 2 त्रिकोणमिति एंगल आए हैं, तो 2 त्रिकोणमिति अनुपात लगे सवाल को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा हमें वेस्ट अपना नहीं करना। देखिए 90 अंश को लेके चला जाता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री रहता है, उसको आप जरूर मेंशन कर लिया करें, लिख लिया करें। 90 अंश को लेकर के हम इस एंगल को नहीं लगाएंगे, आप नोटिस कर लीजिए, ए बी सी ये एंगल नहीं है। क्यों एंगल नहीं है? क्योंकि इसमें 90 अंश का कोई भी एंगल नहीं है। आपके 2 एंगल कौन सा है? एक एंगल तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ए
सी और बी, ए बड़ा है ए डी और बी, क्योंकि प्रत्येक दशा में हमें 90 अंश का जो कोण है उस वाले त्रिभुज को लेके चलना पड़ता है, तभी हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लगते हैं। तो पहला हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज ए सी बी, ए बी सी में नोटिस कर लीजिए नीचे आधार अननोन मान के चले हैं, ऊंचाई भी हम अननोन मान के चले हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम कहेंगे टेन आधार लंबे, am I right? टेन एंगल कितना है 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। कोई समस्या किसी को, एक देखती जाइए 1060 का मान क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने आप को महसूस किया तो ये वाली भुजा हमारी आधार थी और सामने खड़ी वाली भुजा क्या थी लंब, और लंब आधार में जो अनुपात होता है त्रिकोण विधि का वो क्या होता है 10 का। आगे हम बढ़ चलेंगे, लंब को हम कहेंगे नामांकन ए बी, आधार को करेंगे बी सी। त्रिकोणमिति में जब भी आप नामांकन करते हैं किसी जगह करते हैं तो कोशिश किया करो कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेटिकल क्रम है उसमें बड़े से छोटे की ओर इस तरह से किया करो। ए बी की वैल्यू क्या मानी है एच, और यहाँ पर आधार क्या माना है एच, टेन साठ की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट थ्री। अब आप करेंगे तो कैसे करेंगे नोटिस कर लीजिएगा, यह मान किसका चाहिए आपको एक्स, मान किसका चाहिए एस, एच का नहीं चाहिए, ऊंचाई नहीं पूछी, उसने क्या पूछा चिन्हित बिंदु से जी जहां चिन्ह से मीनार, चिन्हित बिंदु से मीनार के पाथ की दूरी, तो 40 तो है लेकिन 40 के अलावा जो एक्स है चिन्हित बिंदु से मीनार की जो दूरी होगी यहाँ आप चार्ज लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तीसरा चिन्हित बिंदु से मीनार की दूरी इज इक्वल टू यहाँ 40 है 40 प्लस है 40 तो दे रखी, 40 तो दूसरा बिंदु है जहां से दूसरा एंगल हमारा साथ है, पहले मैं यहां था यहां से मैंने देखा तो हमारा कितना था 45 है, यहां से मैं चला कितना थोड़ा सा 40 मीटर, 40 मीटर से देखा उन्नयन कोण कितना हो गया 60, तो यहां से जो 40 तो जमीन में दे रखा है लेकिन जमीन से मीनार के बीच की जो दूरी है वो एक्स है, तो एक्स प्लस 40 बराबर चिन्हित बिंदु से मीनार की दूरी, स्पष्ट हो गया कि नहीं, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। हमें मान निकालना है एक्स का, नोटिस कर लीजिए हमें मान क्या निकालना है एक्स का, हमें इस सवाल को एच के बराबर लेना पड़ेगा, बरमूल 3 एफ ठीक आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बटे में है तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इज इक्वल टू एच या एच इज इक्वल टू बरमूल 3 एफ, ये हमारा निकल जाएगा। पहले हमारा निकला है एच इज इक्वल टू बरमूल 3 एफ, मान निकालना है आपका एक्स का तो विपरीत एच बराबर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक हमारा हो गया, स्टेप हो चुका है, अगला स्टेप क्या है, पूरा संपूर्ण ए बी डी ऐसा मैं लेके चलूंगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी जगह स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है तो बाद में स्पेस से हमारा प्रभावित ना करे, तो इसलिए हम थोड़ा सा और यहाँ पे लेके चलेंगे। एक स्टेप हो गया था, दूसरा स्टेप हो गया था, तीसरा स्टेप इसमें क्या होगा आपका ए बी डी में, डी पर खड़े होकर देखेंगे 45 अंश पे तो नीचे वाला आधार है, सामने वाला लंब है, त्रिकोणमितीय रेशियो लगेगा कौन सा 10, 10 यहाँ पे 45 है, इसको कहेंगे 45 बराबर लंब बटे आधार। बहुत अच्छा चल रहा क्वेश्चन, लंब हमारा क्या है, लंब क्या है हमारा ए बी, आधार क्या कहेंगे पूरा बी डी है या डी बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या जाएगा, ये बदल जाएगा ए बी बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी आगे और लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे हम लोग एच, बी सी हमारा कितना है एक्स और सी डी कितना है 40, ये कितना का 10 45 की वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहां ले जाएंगे
तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, गुणा हो जाएगा एक के साथ, तो यथा बता जाएगा एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू एक्स। ये दूसरी वैल्यू है, टीचर को दिखाई देना चाहिए, इसलिए आप इसको अदर कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप किसी अदर कलर से या स्केच से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा टीचर है, कॉपी चेक करने वाला है, उसको ये मान साफ दिखाई दे, ताकि अगर वो स्टेप बाय स्टेप चेक करता तो पहला स्टेप यहाँ पे आपका हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ पे हो गया। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो दूसरे में पहले का मान दूसरे में रखना, पहले का मान दूसरे में रखने पर, जिसमें रखना है उसे सबसे पहले रखना है। x इज इक्वल टू 40 प्लस एच, रिप्लेस किसको कर रहे हैं, h, एम आई राइट, रिप्लेस कर रहे हैं h को, x इज इक्वल टू 40 प्लस, यहाँ पे कितना आ गया, x इक्वल टू 40 ऊपर वाला, हमारा क्या है x प्लस 40 h है। अब h की वैल्यू कहाँ पे रख रहे हैं, पहले का मान दूसरे में रख रहे क्या हमें दूसरे में, तो दूसरे को हम यहाँ पे लिख लेंगे, h का वैल्यू हमारी है यहाँ से, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो बरमूल 3x, इस मान को h का जो मान था, h के मान को यहाँ से मैंने उठाया, देखिए मेरे हाथ में आ गया करें, इसको उठा करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप अगर इसको देखेंगे बराबर लगा देते हैं तो पूरा लाइन को वैसे ही दिखाई देगा, एच इज इक्वल टू बरमूल 3x, एच इज इक्वल टू बरमूल 3x, आ गया कि नहीं, हो गया, एच का मान क्या हो गया, अंडर रूट स्क्वायर रूट 3, ओके। अब हमारा हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्व करूंगा, एक्स बराबर सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस अंडर रूट 3x, नोटिस कर लीजिएगा, आप इनको किसी एक साइड भेज दें, ठीक है कि नहीं, अंडर रूट 3 की वैल्यू बड़ी होती है एक से, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, एम आई राइट, तो ऐसा हम कर सकते हैं, एक्स को हम साइड भेज सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 40 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, जी मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स को लेके जाएंगे, अभी हमारा नहीं आना, मैं आप इस साइड सबमिट कर लीजिए, परेशान मत होइए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको मत लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर पूरा पक्ष खाली हो जाएगा, या फिर आपको एफ 40 को यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है, या बाद में भी आप बदल सकते हैं, आप उसको मत ले जाएंगे, तो आप बाद में बदलेंगे, एक्स को इस साइड ले आएंगे, इसको आप इस साइड ले आएंगे, स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू 40, पहला स्टेप हो गया, ठीक है, एक्स को मैं बाहर निकालूंगा, कॉमन एक्स निकल जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 40, नेक्स्ट स्टेप देखिए, कोई डाउट, पहले मैंने क्या किया, मैं पहले उस साइड ले जा रहा था, तो मैंने कहा एक पक्ष खाली हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं चाहता मैं, फिर मुझे माइनस में 40 को लाना पड़ता, तो मैं वो कन्फ्यूजन को छोड़ करके मैंने इसको कैसे सॉल्व करना चाहता हूँ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। नोटिस करिए, बहुत बारीक से, यहाँ से समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कि जब पहला मान अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद दोनों को मिक्स करके एक बनाना, हम जो चाहते आंसर उसको लेना, उस आंसर को लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हमें करनी पड़ती है। एक्स के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन निश्चित है, ये डिवाइड में जाएगा, भागन में जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी, कभी भी हर का मान में कोई भी बरमूल नहीं होता, तो हर के मान को परमेयकरण मैंने बताया था, सब समीकरण चिन्ह बदल कर, अब यहाँ पे पूरा फाइनली उत्तर नहीं आया, अभी आपका अगर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है तो निश्चित है कि 3.5 नंबर या 3 नंबर तक टीचर देगा, यहीं छोड़ देगा, ऐसे स्थिति में करना क्या है आपको, हर मल्टीप्लिकेशन जो नीचे अपन दो पदी है, एक दो पदी बीच में चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, क्यों करना है, उसके लिए कारण है, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि हमारी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से निकल सके, एस का मान आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 40 1 प्लस अंडर रूट 3 मान रख देंगे बाद में,
वन का करेंगे तो वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, एम आई राइट? तो करेंगे 40 वन प्लस अंडर रूट थ्री वन माइनस थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। किसी भी अंडर रूट थ्री का टूटा मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर होगा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं 40 वन प्लस 1.732, अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती 1.732 या 73, इतना वैल्यू होती है। कैसे निकाली जाती, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। अब हम तीन में से एक घटाएंगे तो माइनस दो आ जाएगा, कभी भी मान माइनस नहीं आता है, माइनस दो आ गया हमारा। यहाँ पे फिर जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2.732 अपॉन माइनस टू, टू से हम 40 को यहाँ पे नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पर टू से 40 को काटेंगे तो कितना जाएगा हमारा माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 1.732। और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा आ जाएगा, 0 दो दूनी 4 तीन दूनी 6 सात दूनी 14 हाँ सर एक एक दो एकम दो और एक तीन, तीन अंक बाद दशमलव था तो तीन अंक बाद दशमलव आ जाएगा, कभी मान माइनस में नहीं होता, माइनस 34.64 मीटर आ गया आपका। यहाँ पे टू है, दो दशमलव सात तीन दो, यहाँ पे टू है ना, थ्री में से माइनस गया तो टू बचा, तो टू का हम लोग डिवाइड करेंगे भाग भाग मल्टीप्लाई में जी 2.732। हाँ ओ सॉरी, यहाँ पे दिस वन इज टू, ठीक है। तो इसको आप एक मिनट देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पहली बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए एक माइनस के मान को थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एक प्रोसीड और चेक रूल को अगर आप थोड़ा छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज किया, यहाँ पे देखिए क्या रखा था, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू एच, लेकिन जब आपने यहाँ कॉपी किया तो एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस एच कर दिया। देखिए जी वैल्यू को सेम यहाँ रखनी थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपने रख दी क्या गलत, यहाँ पे प्लस यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे इक्वल होना, तो जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा था वो गलत हो गया। तो आई वुड यही पे यहाँ पे यहाँ से आपका जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से आपका गलत हो चुका है। केवल एक स्टेप रहा, वो क्या रहा, आपने किसी क्वेश्चन को करते समय चेक नहीं किया, और एक बार चेक ना करने से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वह गलत हो सकता है। यह चीज आपको यहाँ साफ ढंग से दिखाई दी, मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर इसको दोबारा करता हूँ सॉरी, लेकिन आपको रूल वही रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, प्रोसीड एंड चेक। अगर आप प्रोसीड और चेक के रूल को नहीं फॉलो, बहुत अच्छा रहा, एक हमें अनुभव मिलता, अनुभव क्या मिला कि हमने प्रोसीड करते समय चेक नहीं किया। अगर प्रोसीड करते समय चेक नहीं करेंगे, आपसे कोई भी एक वैल्यू मिस हो जाएगी, आपका एक साइन मिस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इक्वल की जगह प्लस हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलेंगे जीरो, माने हार्ड वर्क एंड यू आर गेटिंग ओनली जीरो मार्क्स। प्रोसीड एंड चेक, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू थ्री, ओके, रिप्लेस एच, यहां से रिप्लेस करना है, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री है, दोबारा चेक कर ले, एच ठीक है, प्लस 40 इज इक्वल टू एच बराबर क्या, अंडर रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए अंडर रूट थ्री बड़ा है, अब आपका सेटल हो गया 40, अब आपको 40 यहाँ पे है, 40 मतलब आपको क्या करना है, एक्स को यहाँ पे ले जाना है, आराम से आप ले जा सकते हैं, 40 आपके एक साइड है तो अपना कोई समस्या नहीं, इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स माइनस एक्स। आगे बढ़ेंगे, 40 इज इक्वल टू कॉमन एक्स है, बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट थ्री माइनस वन, अब घट करके प्लस में आएगा, ये नोटिस कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, 40 अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मान पहले ही याद करना तो एक्स पक्ष को पहले ले लीजिए, 40 अंडर रूट थ्री माइनस वन। अगर आपको परमीकरण करना है तो परमीकरण क्या होता है, हर का चिन्ह बदलते, नोटिस करते आइए, एक बार भी कोई गलती ना हो पाए, माइनस हमारा आ गया था ठीक था,
यहाँ पे एस को कॉमन निकाला, अंडर रूट थ्री माइनस, ठीक है, इसको नीचे ले लिया, ठीक है। मैंने बताया था जी बहुत अच्छा हुआ कि एक हमारा पॉइंट मिस हो गया, जिससे मुझे आइडिया आ गया कि मुझे प्रोसीड एंड चेक के रूल को ऑलवेज फॉलो करना है मैथमेटिक्स में, किसी भी प्रकार से इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वही रूल रहेगा परमेकरण में, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा, इसके पहले मैं बता चुका था आपको, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आपका वही रूल हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये मान होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं इस रूल को बहुत अच्छी तरह से, x बराबर करेंगे 40 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है, रूल ठीक है, 40 आगे लिखा है, इसको अंदर लग दिया है, ए स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस का साइन ठीक आता है, ए हो गया, फिर मैं लिखूंगा 40 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे पूरा 3 माइनस 1, देखिए यहाँ पे प्लस का आ गया, गलती हो गई थी इसलिए चिन्ह बदल गया था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्रोसीड एंड चेक रूल को फॉलो करना है। एस का वैल्यू फिर क्या आएगी, एस की वैल्यू आ रही 40 अंडर रूट 3 का मान आप रख सकते हैं, आप ब्रैकेट में रख दीजिए 1.73 2 प्लस 1 लास्ट में था, आप देख रहे हैं 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है, 2 से विभाजित कर देंगे 20 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2.732। माइनस में अपने आप जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मैंने सोचा कि हो सकता है कोई सवाल में माइनस भी आ जाता, तो इसमें एक चीज होती है कि अगर कोई सवाल माइनस में आ सकता हो, दूरी किसी हिसाब से माइनस में नहीं होती, तब हम उसे प्लस में रखना, ये भी रूल उसका है। तो ये बात जान लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रोसीड एंड चेक का रूल जरूर ध्यान रखिए, अगर प्रोसीड और चेक का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में किया गया सवाल पर पूरा पानी हमारा, कहते हैं ना पानी फिर गया, पानी गिर गया, तो वो चीज़ हो जाती है। आइए मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हम लगा देंगे, अगर उसमें कोई भी जीरो वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ लीजिए, सबसे पहले जितने जीरो हैं उस जीरो को रख दें, फिर दो का मल्टीप्लाई करेंगे, दो से करेंगे 2, 4, 3, 2, 6, 7, 2, 14 हासिल आए 1, 2, 2, 4, 1 कितने अंक बाद इसमें लगा था 1, 2, 3 आ जाएगा 50.56 मीटर। कौन सी दूरी आई ये वाली, ये वाली दूरी आई आपके सी से लेके बी तक, नोटिस करिए सी से लेके बी तक की दूरी कितनी आ गई 54.56, तो वही चीज आ जाएगी, चिन्ह बिंदु से मीनार की दूरी आ जाएगी, जो बिंदु क्या आ गई चिन्ह बिंदु से, सही मीनार की दूरी इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, अगर हम बात मान चुके तो एक्स हमारा ज्ञात कर दिए, 40 हमारा दे रखा है, एक्स कितना हो गया 54.64 प्लस 40, तो ये हो जाएगा मान लो 5.94 मीटर। देखिए आपका सवाल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सवाल को, अतः चिन्हित बिंदु से मीनार की पाद की दूरी 94.64 मीटर होगी। एक रूल आ गया, अगर आप चाहते हैं सवाल आपका सेफ रहे, कोई गलती ना हो, तो आपको प्रोसीड एंड चेक का रूल अपनाना पड़ेगा, अगर नहीं अपनाएंगे तो आपकी यहाँ से पूरा गलत हो जाएगा, दोबारा चेक करेंगे आपका टाइम चला जाएगा, इसलिए आप पूरा नुकसान आप उठा पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करें।